इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है, अगर आपके फॉक्सिट ट्रेडर के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आता है मिसिंग कंपोनेंट फाउंड, देयर इज ए क्रेटन कंपोनेंट फॉर अ पीडीएफ इन मिसिंग, मेड नीड टू डाउनलोड अपडेट एंड वेबसाइट योर डिस्प्ले योर करेंटली, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखा हुआ आता है यहाँ पर, और यस करते हैं तो ये आगे का प्रोसेस हमारा खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिस्टम रहता है, ये देखिए, जब भी हम किसी फाइल को यहाँ पर इसके अंदर सिलेक्ट करते होते हैं तो ध्यान रखें यहाँ पर आप जो है सही फाइल को सिलेक्ट करिएगा, ऐसे ही आप किसी फाइल को सिलेक्ट करें, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक फाइल को यहाँ पर बना लेता हूँ, अभी बनाऊँगा, बट मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना बता देता हूँ। यहाँ पर किसी फोल्डर में एक फाइल को यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसमें प्रोसेस करते होते हैं, तो देखिए हर फाइल यहाँ पर वर्क नहीं होगी, ठीक है। और अगर इनकरप्टेड फाइल भी होगी तो वो भी वर्क नहीं होगी, वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी पूरी चीज़ें। मैं यहाँ पर इसको खोलता हूँ और इसी जो सॉफ्टवेयर से इसी के अंदर में प्रोसेस, देखिए पीडीएफ को ये इजीली खोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर करप्टेड होगा मैं आपको बना के भी दिखाऊँगा, और पीडीएफ अगर पीडीएफ ही नहीं होगा तो वो एक अलग इशू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको क्लियर हो गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या नहीं करना। देखिए मैं यहाँ पर एक फाइल फॉर्मेट को ले लेता हूँ, ठीक है, और ये फाइल है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि पीडीएफ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और नाम भी मैं आपको सिंपल ही बताऊँगा। सबसे पहले मैं इस पूरी फाइल का नाम चेंज करके शानू रख लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, और आपके समझ में आ जाए। अब यहाँ पर मैं आगे का हिस्सा, इसको ये वाला हिस्सा उड़ाकर पीडीएफ टाइप कर देता हूँ, पीडीएफ ये हो गया, ठीक है, एंटर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस अपनी एप्लीकेशन को खोलता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको ऐड करता हूँ, अपनी कोई भी फाइल हो गई उसको सिलेक्ट करने के लिए। अभी यहाँ पर आ गई थी कि उसी डेस्कटॉप के अंदर ये आ गई यहाँ पर। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अरे है तो ये करप्टेड इनकरप्टेड ही है, तो यहाँ पर क्या बताएगी, इसी तरीके से आपको सेम इशू यहाँ पर क्रिएट दिखा देगी। तो इस चीज़ को यहाँ पर से आपको बचना है, सही फाइल को सिलेक्ट करिएगा तो आपको कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी, अदरवाइज़ आपको देखने के लिए यहाँ पर कई इशू मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।